भागलपुर के सीटीएस ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना अंसार साहब के द्वारा नमाज अदा कराई गई। सीटीएस ग्राउंड में लगभग 30,000 लोगों ने नमाज अदा की। पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक को लेकर नमाज अदा नहीं की गई थी, लेकिन इस बार नमाज में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और देश और दुनिया में शांति को लेकर दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते नजर आए। वहीं शहर के अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। नमाज के अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा ने सीटीएस ग्राउंड पहुंचकर लोगों को ईद की बधाइयां दी। वहीं सुरक्षा को लेकर सिटी एसपी एसडीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नमाज को देखते हुए की गई। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद मनाया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। सीटीएस मैदान में जुटे हैं। निश्चित तौर पर सबको ईद मुबारक हो। सिर्फ भागलपुर वासी को नहीं, बिहार वासी और देश वासियों को भी ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद की जो सारी खुशियाँ उनकी मनोकामना अल्लाह ताला और भगवान पूर्ण करे। की गई है पूरे बिहार। सबसे पहले ईद के अवसर पर भागलपुर के सभी वासियों को शुभकामनाएं और हम लोगों ने सभी जगह बल की प्रतिनियुक्ति की है, जहाँ जहाँ भी नमाज होने हैं। अभी हम लोग सीटीएस नाथ नगर के प्रांगण में हैं। यहाँ नमाज अभी जस्ट संपन्न हुआ है और भी कई जगह नमाज होने हैं। अलग अलग टाइमिंग है और सुबह 6 बजे से ही सभी जगह पे मस्जिद और जहाँ जहाँ भी नमाज पढ़े जाने जिन प्रांगणों में, वहाँ पर CIT बजरा और SSB की जो एक कंपनी मिली है भागलपुर जिले को, उसको भी लगाया गया है 4 QRT में बांटकर। और हम लोग पूरी तरह तरीके से अलर्ट हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। थैंक यू सर। सर एक